से बोल रहा हूँ। और अगर जब भी पुश करवाना हो तो मेरे को बुला सकते हो, ठीक है भाई? थैंक यू ब्रो। Easy go. तो हेलो दोस्तों, खूनी गेमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो हाउ टू पोस यानी हीरो टू ग्रैंड मास्टर, और जो ग्रैंड मास्टर हैं वो भी पोस कैसे करते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पे तीन प्लेयर हैं और मैं डायमंड फर्स्ट में हूँ, तो मैं पोस नहीं कर रहा हूँ इस बार। तो नेक्स्ट सीजन से मैं भी पोस करूँगा। तो यहाँ पर हम मतलब सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट होती है, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो जो ग्रैंड मास्टर हैं या नहीं है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं गाइज, जो भी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइज? तो मतलब हम यानी आपको पहले तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है सेफ लैंडिंग। तो यहाँ पे हम कूदे यानी जो प्लेन का लास्ट था यानी सेंटोजा, तो बरमूडा में पाया था। तो इसमें बंदे भी कुछ अच्छे खासे आए थे। ये नहीं था कि भाई ये बोलते कि ग्रैंड मास्टर होते हैं तब बंदे नूबड़े आते हैं, सब होता है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होता। सेम ऐसे बंदे आते हैं जैसे आप गेम प्ले करते हो ऐसे बंदे। तो इसमें क्या है कि बंदे तब तक इतने बचते हैं जब तक हम मतलब सर्वाइव करते रहते हैं। तो भाई इसमें मेरे को कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिली थी, वो मैंने इनसे सीखी है कि भाई इसमें मेरे को भी नहीं पता था वो बातें। तो भाई सबसे मतलब पहले हम सेंटर जगह थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमी आए हैं यानी हमने पहले लूट कंप्लीट कर ली अपनी। तो उसके बाद यहाँ पे पता नहीं एक स्क्वाड कहाँ से आ गई। तो गाइस यहाँ पे मैंने इनसे पूछा भी कि भाई यहाँ से चलें या फिर बस करना है क्या करना है। तो इन्होंने बोला कि मतलब क्लोज फाइट नहीं लेनी, आपको दूर की फाइट ही लेनी है। तो भाई यहाँ पे एक बंदे ने वो एक बंदे को नॉक कर दिया है। तो मैं मेरे को पता नहीं था बंदे कहाँ पर है, इन्होंने कुछ मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आई थी इनकी। तो इन्होंने मैंने डिग्री पूछी, मेरे को बंदा भी मिला और उसने मेरे को डैमेज भी दिया। तो बंदे ने मेरे पर रस किया तो मैं कवर आ गया, तो मैंने भी उस पर थोड़ा फायर किया और डैमेज दिया और वो कवर में जाके मेडिकेट बनने लग गया। तो मैंने उस पर जाके सीधा रस कर दिया क्योंकि डैमेज दिया था। तो ये वाली एम पी 40 थी जो मैंने रेट ऑफ फायर में है, ये लास्ट लास्ट वाली है, ये तगड़ी एम पी 40 मतलब बहुत अच्छी चलती है। यानी जो फर्स्ट वाली एम पी 40 थी उससे भी अच्छी चलती है, फर्स्ट और सेकेंड वाली एम पी 40 से बहुत मतलब क्या बोलूँ एकदम बेस्ट एम पी 40 है। तो यहाँ पे मतलब एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया है, एक बंदे ने भाई ये घर में जो एक बंदे इसमें भी उसने नॉक कर दिया है, बट वो उनमें से कोई रस नहीं कर रहा है। तो गाइस मेरे को रस करना पड़ेगा क्योंकि यार उनका अगर इस टाइम पे वो मर जाते तो उनका बहुत ज़्यादा माइनस होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ग्लू बोल डाल रखी है, तो मैंने यहाँ पे जाकर रस किया। तो यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, बट जैसे मैंने नॉक किया मैं कवर में चला गया ना कि सीधा उसमें, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई रस करो। तो फिर उसके बाद भी मैंने रस किया और यहाँ पे दोनों बंदों को यानी एक साकिब भाई हैं और टिकटॉक भाई हैं तो उन्होंने भी किल किया। एक संजय भाई भी है अपने GGYT गिल्ड थी पहले, वो उसमें थे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे भी इन्होंने एक बंदा नॉक किया था। तो यहाँ पे देखो यानी पहला जोन स्टार्ट हो गया है, तो अभी बंदे बचे हैं 30, यानी अभी मतलब बंदे भी सर्वाइव करने वाले आए हैं इनके पास है। तो इसमें मेरे को बात क्या देखने को मिली वो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज यार क्या कौन बोलता है कि मतलब बंदे नूबड़े आते हैं, सब होता है भाई, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, यानी पेशेंस का काम है यार एक तरीके से। यानी आप कितनी देर तक छुप के रह सकते हो, बंदे को ना देख के रस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यानी बहुत कुछ चीज़ें जो आपको मतलब इग्नोर करनी पड़ती हैं। और अगर फाइट भी होती है तो आपको जब तक टॉप 10 या टॉप 8 में या टॉप 5 में नहीं आते तब तक आप फाइट को मतलब इग्नोर करते रहते हो। और उसमें आपको ये भी करना पड़ता है कि भाई जब तक आपका यानी डैमेज नहीं पड़ेगा तो आपका मतलब प्लस नहीं होगा। तो वो तो ब्रिज से आ रहे हैं, तो मैंने जेपलाइन पकड़ ली थी यहाँ पे, तो मैं जेपलाइन से जा रहा हूँ। तो इसमें हाईएस्ट किल मेरे ही थे, तो वो आपको वीडियो में देखने लास्ट में मिल जाएंगे कि क्या 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 हुआ था। तो गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डैमेज, अगर डैमेज नहीं दिया और आपने बुइया भी कर लिया ना, यानी एक 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 बंदे का ही डैमेज गया, एक बंदा लास्ट में दो बंदे बचे और आपने मतलब एक नहीं जैसे मैंने दो बंदे मार दिए तो उन बंदे का डैमेज नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नॉक हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आगे भी ऐसा ही होता है, मैंने सोचा एनिमी है तो मैं उनके पास गया, बट वहाँ पे एनिमी नहीं थे, यानी वो ड्रम फोड़ के अपने आप ही नॉक हो रहे थे। तो गाइस ये बात मेरे को पता नहीं थी, तो फिर मैंने इनसे बाद में पूछा कि भाई आप नॉक क्यों हो रहे थे। तो मैं थोड़ा और अभी मतलब यहाँ पे आया कि भाई मैं बंदे होंगे तो मैं जोन में अगर मेरे को तो थोड़ा सेफ रहना है जिससे मैं मतलब उन बंदों को मार सकूँ, यानी इनका माइनस ना हो। फिर भी ये वापस से ड्रम फोड़ के नॉक हो गए, तो मैंने इनसे भाई पूछा कि भाई आप बार बार नॉक क्यों हो रहे हो। तो इन्होंने बोला कि भाई हम क्या है अपना डैमेज पूरा कर रहे हैं, यानी अगर जैसे ही कोई ड्रम है अगर मैं उसको फोड़ूंगा और उसके पास मतलब मेरा फ्रेंड है वो अगर उसे डैमेज खाएगा तो यानी इससे मतलब मेरा डैमेज पॉइंट है जो मतलब डैमेज का वो मिलता है यानी +10 मिलता है।
आपका मतलब सर, जैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, आप कभी पुश कर रहे हो और आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, जैसे उसके बाद आपका मतलब एक एक माइनस, जैसे पहले होता है 20+, उसके बाद हो जाएगा 18, 17, 15, ऐसे ऐसे करके प्लस होता है, तो लास्ट में तो 10 से 10+ होता है। तो भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी पेशेंस तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, यानी सब कुछ है जो पेशेंस का ही काम है, और आपको अपने पार्टनर को बचाना है, मरने ना देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो गाइस यहाँ पे अभी हम छुपके ही है, यानी थोड़ा अभी सर्वाइव ही कर रहे हैं, अभी 26 बंदे अलाइव है, यानी लास्ट जोन बनने वाला है। तो मेरे को मतलब फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन से नंबर पर अभी ग्लोबल में, तो उन्होंने बोला कि अभी एक तो 50 पैसा है, तो आ जाएगा वो रीजनल में भी आ जाएगा कोई ना। तो यहाँ पे ड्रॉप पड़ा है, तो ये बंदा ड्रॉप को लूटने जाता है, तो उसको एनिमी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हम मतलब जो लास्ट वाली फाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि ये मैंने वीडियो थोड़ी मतलब जो फाइट है वो मैंने स्लो मोशन में दिखाई है, बट और को और जो फाइट है उसको मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है। तो मैं मतलब आप बोर ना हो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी, बट स्पीच है वो आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सीजन आने वाला है, तो नेक्स्ट सीजन से मैं भी पुश करूँगा शायद, अगर प्रॉब्लम ना हुई तो। बट इस टाइम में जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चैनल भी चलाना पड़ रहा है उसके लिए, मतलब टूर्नामेंट भी पर डे कराते हैं हम, तो टूर्नामेंट जो कराते हैं तो आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हो, तो उसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी, कि आप डिस्कॉर्ड में कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो वो आपकी समझ में नहीं आता है। तो कई बंदों का कॉल भी आते हैं कि मनीष भाई हमने रजिस्टर नहीं हो रहा है हमारा, तो भाई उनसे मेरा ये कहना है कि भाई आप वीडियो को पूरी जाके देखो, और वीडियो को पूरी देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अभी बंदे बचे हैं, यानी 22 लास्ट सर्कल, लास्ट जोन है वो सर्कल है वो बन गया है, तो अभी 22 बंदे आए हैं। गाइस देखो मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई बंदे मतलब ग्रैंड मास्टर के साथ खेल रहे हैं, उनका स्कोर ज़्यादा है, तो बंदे वो भी यार पुश कर रहे हैं अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है। तो कुछ बंदे हैं तो वो भी हीरोइक जाना चाहते हैं, जो मतलब यस हर कोई जा सकता है, यानी अपने आप को मतलब ये कॉन्फिडेंस रखो कि भाई हम सामने वाले बंदे को मार सकते हैं, माइनस होगा वो तो होगा ही, क्योंकि अगर आप मतलब जो होगा वो तो होगा, बट आप तो मतलब अपनी तरफ से जो अपना बेस्ट होता है वो अपना बेस्ट दो ना। तो ये मतलब यहाँ पे बंदे मिलेंगे कुछ, मतलब हमारी फाइट भी होगी, बट हम मतलब टावर में बंदे बैठे हैं यहाँ पे, और नीचे भी बंदे, तो नीचे उस भाई को बंदे देखे, तो यहाँ पे उन घरों में बंदे बैठे थे, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने भी देखा, बट यहाँ पे मेरे को नहीं देखे, शायद उसने उसको मार दिया था जो अपने टिकटॉक भाई थे। तो यहाँ पे एक बंदा जो एक इनमें से कैंडिडेट चला था शायद, उसको AWM के लिए भी बोला था कि भाई AWM चला लो, बट पता नहीं उसने क्यों AWM नहीं ली, क्योंकि उनकी मतलब लैंग्वेज थी वो मेरे को समझ में नहीं आई थी। और उनको भी मेरी यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे 22 बंदे अलाइव हैं, यानी 3-4 स्क्वाड है यहाँ पे इसी जगह पे, यानी लास्ट सर्कल तो यहीं पे होंगी। तो मैंने यहाँ से डैमेज देने का ट्राई किया, बट यहाँ से मेरे को बंदे नहीं दिखे, तो फिर मैं थोड़ा कवर में आ गया, और टावर में भी बंदे बैठे हैं। तो यहाँ पे देखो ये इसका शायद एम लेगा ये बंदा, तो इसको भी मैंने मतलब डैमेज देने की, पहले से ग्लू बॉल तोड़नी चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये मेरा एम ले रहा है AWM से, बट सामने वाले भाई ने ग्लू बॉल डाल दी, तो उसका शायद एम यानी ख़राब हो गया था, नहीं अगर सीधा हेड में पड़ता तो मैं सीधा डाउन था, उसको भी डैमेज पड़ा। यहाँ पे देखो अभी जोन स्टार्ट होने में 32 सेकंड बाकी है, तो अब इसमें ये मतलब आपको थोड़ा दिमाग भी आपको यूज़ करना पड़ता है कि भाई आप जोन में कैसे जाएँ और कैसे बचें, अभी फाइट लेनी है नहीं लेनी है, मतलब सिचुएशन आपको मतलब सिचुएशन आपके हिसाब से ना हो तो भी आपको वो सिचुएशन अपने हिसाब से बनानी है, क्योंकि अगर माइनस लग गया ना तो गाय इसके लिए आपको इतने मैच खेलने पड़ते हैं, यानी अब भी अगर इनका माइनस लगेगा तो 30 के समथिंग रहेगा। तो यहाँ पे मैंने भी मतलब अपना पूरा क्या बोलते हैं अपना जो बेस्ट था वो मैंने पूरा बेस्ट दिया था, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि इनका माइनस लगे। देखो ऊपर भी बंदे हैं, नीचे भी बंदे, टावर में भी बंदे, तो गाय यहाँ पे तो जोन में तो जाना था, तो यहाँ पे ये पेन यानी पेन लगा के मैं तो भग लिया, पेन तो नहीं थी बट फाइट फंसा था, क्या बोलते हैं तलवार थी कुछ भी होगा था बस। तो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर जिससे मेरे को हेड ना पड़े इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर घुमाया अपने कैरेक्टर को। तो यहाँ पे भी बंदे हैं, यानी यहाँ पे भी बंदे मिलेंगे हमको, तो यहाँ पे एक बंदे को शायद इस भाई ने मतलब डाउन कर रखा है, तो मैं उसको पूरा किल लूँगा, यानी एक भी बंदा नॉक करके ये नहीं कि एक बंदा छोड़ दिया, तो पूरा डायरेक्ट मारना। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको किल लिया, बट वो बंदे भी हैं उनको हम कवर फायर दे रहे हैं, तो वो बंदे भी आने वाले आ रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बंदे हैं भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे को बंदे देखे, तुरंत से मैंने ग्लू बॉल डाली और ये लॉन्चर मतलब मेरे फ्रेंड ने लॉन्चर मारा तो उसका एमओ वेस्ट हो गया। यहाँ पे देखो ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है बट ये नहीं चढ़ पाया, इसने मेरे को डैमेज दिया, मैं कवर में आया, मैं बाहर निकला, फिर वापस से मैंने इसको डैमेज दिया
और तुरंत ही में जाकर कवर में जा गया, यानी कवर में आपको सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है वो कवर होता है, यानी आपको कवर लेना पड़ता है। और यहाँ पे मतलब एक जो मेरा फ्रेंड है तो वो मर जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, भगवान को प्यार हो जाता है यहाँ पे देखो। तो मैंने उसने मेरे को बोला कि भाई एक दो गोली के बाद जल्दी आओ, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने उसको दिया, बट एक दो गोली का तो नहीं था, यानी 10 या 12 गोली तो उसको मैंने मारी, तब वो जाके मरा। अब भी हमारे जोन हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लू बॉल ब्लू बॉल लूट की और लॉन्चर तो मैं लेता, बट लॉन्चर की एम नहीं थी, तो इसलिए मेरे को यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद ये जो बेस्ट होता है आलोक, ये मतलब बहुत गजब की चीज़ लगी मेरे को अब तक फ्री फायर के अंदर सबसे अच्छी। तो यहाँ पे भी बंदे मिले, तो यहाँ पे मैंने डैमेज दिया, यहाँ पे फिर मैंने सीधा कवर लिया। उसके बाद ग्रेनेड डाले मैंने, तो यहाँ पे देखो ग्रेनेड डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है। अब इसको ये भाई ग्लू बॉल लगा के, हाँ ग्रेनेड से नॉक हुआ, अब भी वो जोन से भागने वाला है, तो मैंने इसको डैमेज दिया। ये दोनों बंदे यहाँ से यानी क्लियर हो गए, दोनों नॉक कर दिए, बंदे बचे हैं यानी तीन बंदे बचे हैं, तीन बंदे चार बंदे बचे यानी एक स्क्वाड बची हुई पूरी। तो यहाँ पे मैंने वो मेरा फ्रेंड है जो डाउन पड़ा है उसको मैं ग्लू बॉल लगा के यानी पहले बचाऊंगा, अगर बचता है तो यहाँ पे मैंने ग्लू बॉल डाली और ये बच गया। तो अभी मेरे पास एक ग्रेनेड है, तो मैं ग्रेनेड से यानी इनको ग्रेनेड मारूंगा। अभी लास्ट मेडिकेट रखना पड़ता है, मैं शायद भाई के पास मेडिकेट नहीं थे तो उन्होंने मेरे तो यहाँ पे देखो ग्लू बॉल भी डाल दी। यानी आपके पास हो तो आप अपने फ्रेंड को वो शेयर कर सकते हैं, ये नहीं कि आप खुद ही रख के पड़े हो, नहीं अपने फ्रेंड को भी शेयर करो। तो यहाँ पे बंदे हैं शायद वो हम पर रस करना चाहते हैं, तो मैंने एक ग्लू बॉल डाल के और यहाँ पे मैं ग्रेनेड से ग्रेनेड डाले मैंने यहाँ पे। तो देखो ये पता नहीं कैरेक्टर कैसे मेरा यानी हट नहीं पाया था मैं, यहाँ पे देखो तो गाइस ये अभी 8 किल के साथ है, यानी मेरा हाईएस्ट किल था मेरा 8 है इसमें, और उनका थोड़ा मतलब मैं तो डायमंड में था, मेरे को कोई भी नहीं पड़ता था, बट यार तो भी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अपने तरफ से जो बेस्ट था वो मैंने दिया। तो यहाँ पे इनके कितनी प्लस हुई होगी, 10+ के समथिंग हुई होगी। यहाँ पे मैंने 8 किल किए, एक का 0 किल था, बट उसका डैमेज देखो 0 किल पर डैमेज उसका देखो, यानी ड्रम फोड़ा था ना वो उसका डैमेज है 104.93 ऐसा करके कुछ है। तो फिर मैंने इनको मतलब ये आ गए लॉबी में हम, तो मैंने इनको बोला भाई अगर कभी भी आपको मतलब आपको बंदा की मतलब नहीं मिले तो मैं आपके लिए रैंक पुश करवाने आपके मतलब मेरी पूरी हेल्प करूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी से जाके लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब वाला ऑप्शन होता है उसको सब्सक्राइब भी दबाओ। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बेल आइकन होता है, और जो टूर्नामेंट खेलना चाहता है और रजिस्टर करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकता है, और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, बाय बाय।